हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान है और आप देख रहे हैं मिनट आर्ट्स एकेडमी। आज हम क्लास सिक्स एनसीईआरटी की बुक, जो कि विज्ञान की बुक है, उसका चैप्टर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं, इसको पढ़ेंगे कि कौन कौन सी वस्तुएं होती है। हमने देखा कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है। आप देख सकते हैं कि जो वस्त्र होते हैं, भोजन होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। आप उत्तर की तरफ जाएंगे भारत के, तो अलग पहनावा दिखेगा। आप दक्षिण की तरफ जाएंगे तो अलग पहनावा मिलेगा, अलग खान पान मिलेगा। तो हम कह सकते हैं ये विविधता है। इन सब चीज़ों में विविधता का अर्थ होता है भिन्न भिन्न प्रकार है, अलग अलग तरीके हैं, वेराइटीज़ हैं काफ़ी। हम स्थान हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती है। जाहिर सी बात है, हर स्थान पर देखोगे आप अलग अलग तरीके की वस्तुएं मिलेंगी, वेशभूषा मिलेगी, कई प्रकार के जैसे लकड़ियों के सामान, लोहे के सामान, अलग अलग चीज़ें मिलेंगी आपको। बहुत तरह के सामान है पूरी दुनिया में। हम अपने चारों ओर कुर्सियां देखते हैं, बैलगाड़ियां देखते हैं, साइकिलें देखते हैं, खाना पकाने के बर्तन देखते हैं, पुस्तकें देखते हैं, वस्त्र देखते हैं, खिलौने देखते हैं, जल देखते हैं, पत्थर देखते हैं। सोचिए कितनी सारी चीज़ें हैं तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियां, रंग तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं, जाहिर सी बात है, जो कि आप देखोगे चित्र 4.1 में। तो ये देखिए, आप देखिए गिलास किसी अलग तरीके का है, आप देखेंगे प्लास जो प्लायर्स होते हैं वो आप देखेंगे लोहे के हैं, आप देखेंगे ये कुछ बॉक्स, दस्ताने और कुछ कंचे वगैरह, ये आप देखते हैं सारी भिन्न भिन्न तरीके के, अलग अलग तरीके के, विविध हैं ये विविध हैं। तो अपने चारों ओर देखिए, अपने चारों ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। अगर हम सिर्फ गोल वस्तुओं की बात करें ना, तो सिर्फ गोल वस्तुएं क्या क्या हो सकती हैं? गेंद हो सकती है, रबड़ हो सकती, रबड़ की गेंदें हो सकती है, फुटबॉल हो सकती है, कंचे हो सकते हैं। सिर्फ हम गोल की ही बात कर रहे हैं, रोटी हो सकती है, कितनी चीज़ें गोल हो सकती है, पापा का पैसा गोल गोल, तो आपने सुनी होगी ये सारी चीज़ें। तो देखने में क्या आ रहा है यहाँ पे कि हर चीज़ जो है, एक ही अगर कैटेगरी हम ले एक ही चीज़ के लिए, तो बहुत सारी वैरायटी हो सकती है। तो कितनी सारी चीज़ें, तो इनको हम अलग अलग कैसे करके पढ़े, इनको हम अच्छे से जान कैसे सके, तो यही इस चैप्टर में बताया गया है कि हम वस्तुओं को कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं, कैसे उनकी कैटेगरी को अलग कर सकते हैं, हम किसको कौन सी कैटेगरी का मानेंगे। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को भी सम्मिलित कर ले, तो इसमें सेब, संतरे तथा घड़े जैसी वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। मान लीजिए हम ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दे, ठीक है, ध्यान दे रहे हैं, मान लीजिए कि आप सिर्फ ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दे रहे हैं जिन्हें खाया जा सकता है, तब हम इस सूची में, यानी जो अभी हम लिस्ट बनाई थी हमने गोल चीज़ों की, और अगर मान ले अगर हम ये लिस्ट बनाएं सिर्फ खाने खाने की चीज़ की, कि खाना किस किस तरीके के होते हैं, तो इस सभी मदों में ये वस्तुओं को सम्मिलित कर सकते हैं। यानी कि गोल जो भी चीज़ें होती है, रोटी गोल होती है, आपका पिज्ज़ा गोल होता है, तो सिर्फ अगर खाने की वस्तुओं में देखें तो उसमें भी हम कई चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, जिन्हें हमने अध्याय 1 की सारणी 1.1, 1.2 और 1.3 में हमने उसे सूचीबद्ध किया था। आपको याद होगा जब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, तो सबसे पहले उसके अंदर ये था कि आप सुबह से लेकर शाम तक आपके जो दोस्त हैं और आप हैं क्या क्या खाते हैं उनको लिस्ट बनाइए। तो देखेंगे आप अलग अलग तरीके की चीज़ें थी उसमें, कोई बोलेगा कढ़ी चावल खाई, कोई बोलता है कि समोसे खाए, कोई बोलेगा मैंने कुछ चिकन खाया, कुछ इस तरीके से। तो सिर्फ अगर हम उसकी भी बात करें तो देखते हैं, देखिए स्टूडेंट्स कितनी सारी कैटेगरी बन जा रही है। यह भी हो सकता है कि जिन गोल वस्तुओं की सूची हमने अभी बनाई है उनमें से कुछ वस्तुएं इस समूह में भी सम्मिलित हो, जाहिर सी बात है, जैसे कि बताया मैंने खाने की चीज़, यानी गोल हम देख रहे थे, तो खाने का गोल पिज़्ज़ा भी होता है, गोल रोटी भी होती है, और भी कई आइटम हमारे गोल होते हैं, पूड़ियाँ गोल होती है। तो सिर्फ हम खाने की बात करें तो गोल की कैटेगरी में कितनी चीज़ें आ सकती है, तो खुद अंदाज़ा लगाइए कि कितनी चीज़ें हैं आसपास। मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं, तो देखिए क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। तो देखिए हम अलग तरीके से कैसे कैटेगराइज कर रहे हैं, कैसे उसको अलग कैटेगरी में बांट रहे हैं। तो सिर्फ प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं देखें तो बाल्टियाँ, लंच बॉक्स, खिलौने, जलपात्र, पाइप जो कि नलियाँ भी कहते हैं, इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुएँ इस समूह में स्थान मिल सकता है। जाहिर सी बात है आ सकती है कई चीज़ें अगर हम सिर्फ प्लास्टिक की कैटेगरी बनाएं, प्लास्टिक को वर्गीकृत करें। अतः वस्तुओं के समूह बनाने में बहुत से ढंग हैं। उपर्युक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं
को समूह में उनकी आकृति तथा जिन पदार्थ से वे बने हैं के आधार पर बांटा है। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है। जाहिर सी बात है कि आप देखेंगे कि आपकी जो मेज है वो लकड़ी की बनी होगी, आप देखेंगे कि जो गाड़ियां हैं, जो आप खिलौने जो खेलते होंगे वो प्लास्टिक के हैं, आप देखेंगे कि जिस पे आप सोते हो वो कपड़े का बना है, गद्दे के जो बने हैं। तो ये पदार्थ, कई पदार्थ जो आप देख रहे हैं आसपास, कांच के बने हो सकते हैं, धातु के बने हो सकते हैं, प्लास्टिक के बने हो सकते हैं, लकड़ी के बने हो सकते हैं, रुई के बने हो सकते हैं, कागज के बने हो सकते हैं, या पंख तथा मृदा के हो सकते हैं। क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरण के विषय में विचार कर सकते हैं? क्या आप खुद और सोच सकते हैं कि और किन किन चीजों से बनी होती होगी चीजें? तो बहुत सी चीजों से बनी होती है। क्रियाकलाप वन करके हम इन आंसरों को जानने की कोशिश करेंगे। तो क्रियाकलाप वन देखते हैं। आइए अब हम अपने चारों ओर से जितनी संभव हो सके उनकी उतनी वस्तुएं एकत्रित करते हैं। तो आपको भी ये करना है कि आप आस पास आप जितनी हो सके चीजों को ले आए। हम में से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक एक वस्तुएं ला सकता है। आप अगर एक क्लास के अंदर है तो आप हर किसी को बोले कि कुछ अलग चीजें लाओ। कोई कंघी लेके आएगा, कोई बॉल लेके आएगा, कोई टिफिन बॉक्स लेके आएगा, तो अलग अलग तरह की चीजें लेके आए। तथा कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे से अथवा विद्यालय के बाहर से एकत्रित कर सकते हैं आप। जैसे चौक इस्तेमाल कर सकते हैं, डस्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके बाहर के बाहर की वस्तुएं भी, जैसे रबड़, पेंसिल आदि इत्यादि। हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या क्या है? जैसे हमारे पास चौक आ जाएगी, पेंसिल आ सकती है, नोटबुक, रबड़, डस्टर, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए का आरा। तो ये सारी चीज़ें हम इन कैटेगरी में, मतलब जब लेके आने के लिए कहा गया था आपसे, तो आप लेके आ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वस्तुओं की एक ऐसी सॉरी स्टूडेंट्स, बैट, बल्ला, माचिस की डिब्बी, नमक एवं आलू। हम वस्तुओं की एक ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिसके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप दीवार की कैटेगरी बना सकते हैं, वृक्ष की बना, उसको तो उठा के लेके नहीं आ सकते, दीवार को तो लेके आ नहीं सकते। हम इसको भी मान सकते हैं, माना कि दीवार है, माना कि वृक्ष है, माने कि दरवाजे भी हम अपनी लिस्ट में लेके आ गए, ट्रैक्टर लेके आ गए, सड़कें लेके आ गए। तो इस संग्रह से उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज के हैं या लकड़ी से बने हैं। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को दो समूहों में बांट सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, आप कितनी सारी चीज़ें लेके आए होंगे। डस्टर लाए थे, पेंसिल लाए थे, रबड़ लेके आए थे, आपने कुछ चीज़ें मानी भी थी, जैसे दीवार मानी थी आपने, पेड़ पौधे माने आपने, दरवाजे माने। तो आप, अगर मैं आपको बोल दूं कि आपको सिर्फ एक कैटेगरी बनानी है जो लकड़ी की हो या कागज़ की हो, तो आप दरवाजे को रख देंगे अलग, पेंसिल को अलग रख देंगे आप, डस्टर अगर लकड़ी का है तो आप उसको अलग कर देंगे, दीवार को अलग कैटेगरी में डाल देंगे। तो आपने पृथक कर दिया, अलग कर दिया। यही इस चैप्टर का मकसद है कि हम चीज़ों को कैसे अलग कर सकते हैं, कैसे उनके समूह बना सकते हैं। तो हम सिर्फ लकड़ी की बात करें तो हम दो कैटेगरी में वस्तुओं को डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी जो कि लकड़ी की कहलाएगी, दूसरी कैटेगरी जो लकड़ी से नहीं बनी है वो कहलाएगी। इसमें एक समूह की वस्तुएं कागज तथा लकड़ी से बनी है तथा दूसरे समूह की वस्तुएं इन पदार्थ से नहीं बनी है। इसी प्रकार हम खाना पकाने के उपयोग वाली वस्तुओं को भी पृथक कर सकते हैं। खाना पकाने की वस्तुएं, जैसे आइए अब हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं एकत्र की गई सभी वस्तुओं की सारणी 4.1 में सूची बनाइए और प्रत्येक वस्तुएं जिन जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। इतनी लंबी सारणी बनाना जिसमें जितनी वस्तुएं संभव है उन सभी के बारे में सूचना एकत्रित करके लिखना एक कौतुक हो सकता है। एकत्रित की गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं के पदार्थ के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। ऐसे प्रकरणों में पदार्थ की पहचान के लिए अपने मित्र, शिक्षक तथा अभिभावकों से विचार विमर्श कीजिए। आपको वस्तुओं की कैटेगरी बनानी है जो कि सारणी 4.1 के
अंदर बनानी है। तो वस्तु तथा पदार्थ जिनके ये बने हैं, कई चीज़ें आपको हो सकता है कि नहीं पता होंगी, तो आप अपने टीचर की, आप अपने पेरेंट्स की, या आप अपने किसी बड़े की सहायता ले सकते हैं। जैसे आप प्लेट का एग्जांपल लीजिए, प्लेट आप देखेंगे ये है एक इस्पात होता है, ये इस्पात का बना यानी कि किसी धातु का बना हो सकता है, या कांच का बना हो सकता है, प्लास्टिक का बना हो सकता है, इनमें से किसी का भी हो सकता है। पेन देखेंगे ये प्लास्टिक का भी बना हो सकता है, धातु का भी बना हो सकता है। आप ऐसे ही ज्योमेट्री बॉक्स लिख देंगे, आप ऐसे ही अपना बैग लिख देंगे, ज्योमेट्री बॉक्स में आप लिख देंगे कि प्लास्टिक की कई जगह पे आप देखेंगे धातु की बनी होगी, आप अपना बैग लिख देंगे, बस्ता लिख देंगे, उसके अंदर आप देखेंगे कि वो कपड़े की बनी है, ठीक है, या हो सके तो आप कपड़े का नाम लिख देंगे, सूती या जो भी है, किस प्रकार के मटेरियल का यूज़ हुआ है, आप अपने बड़ों का सहायता ले सकते हैं। तो बूझो यहाँ पे क्या टेंशन में पड़ा हुआ है, देखते हैं। बूझो यह जानना चाहता है कि क्या हमने यह पता लगाया है कि कुछ पदार्थों का उपयोग एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं को बनाने में किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स आप भी सोचिए, मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि लोहा, हमने आपने आसपास ज़्यादातर लोहे के दरवाजे देखे होंगे, ग्रिल देखी होंगी, तो क्या आपके भी मन में आया होगा कि लोहे से और भी चीज़ें बनाई जा सकती हैं क्या? तो ये आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्रियाकलाप दो, सारणी 4.2 में कुछ सामान्य पदार्थों की सूची दी गई है, इनके अतिरिक्त अपनी जानकारी के और अधिक पदार्थ आप इन सारणी के कॉलम एक में जोड़ सकते हैं। अब प्रयास करके अपनी जानकारी की दैनिक उपयोग में आने वाली उन वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी है, और उन्हें कॉलम दो में सूचीबद्ध कीजिए। चलिए देखते हैं इन सब सारणियों में हमें क्या पता चलता है। पहले हमने वस्तुओं को कई ढंग से समूहों में रखा, इसके पश्चात हमने यह पाया कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं विभिन्न पदार्थ से बनी है। कई बार तो वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी होती है, तो ऐसा भी होता है कि एक वस्तु कई पदार्थों से बनी हो सकती है, फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती है। यह कैसे निश्चित किया जा सकता है कि किसी दी गई वस्तुओं को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए? ऐसा लगता है कि अभी हमें विभिन्न पदार्थ के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ देखिए क्या कह रहा है, समान पदार्थ से बनी विभिन्न वस्तुएं, यानी कि सिर्फ लकड़ी की बात करें तो देखेंगे लकड़ी से कुर्सी भी बनती है, मेज भी बनता है, हल भी बनता है, बैल के पीछे जो बैलगाड़ी होती है वो पूरा लकड़ी से बनाता है। कागज की बात करें तो पुस्तक बनी होती है, नोटबुक हमारी बनी होती है, समाचार पत्र भी कागज के छपे होते हैं, और खिलौने भी कागज के कई होते हैं, और कैलेंडर वगैरह हमारा क्या होते हैं, कागज के होते हैं। ऐसी चमड़े से बनने वाली वस्तुएं देखेंगे आप, चमड़े से जैसे जैकेट, आपके ये बेल्ट, चमड़े से बनने वाले जूते, ये इनसे बन सकती है। जो प्लास्टिक है इससे तो आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, हमारा टूथब्रश आप देखेंगे, ज्योमेट्री बॉक्स आप देखेंगे, स्केल आप देखेंगे, अपने आसपास बहुत सी चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल पेन, ठीक है, तो कई चीज़ें हैं रुई से बनने वाली चीज़ें। तो ये ऐसे पदार्थ हैं जिनसे कई वस्तुएं बनती है। तो स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं, पदार्थों के गुण, के जो पदार्थ हैं इनमें आखिर क्या गुण होता है? क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता है? क्योंकि पानी की जो टेंडेंसी है, पानी की जो प्रकृति है, वो क्या होती है, किसी भी पदार्थ को गीला करने की होती है, और कागज क्या करता है, पदार्थ यानी कि वो उस लिक्विड चीज को यानी कि तरल चीज को अवशोषित कर लेता है बहुत जल्दी। तो अध्याय 3 में कपड़े के टुकड़ों के साथ जो हमने प्रयोग किए थे उसे याद कीजिए, और यह ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्य द्रव्यों को रखने के लिए करते हैं, इसीलिए अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाएं तो क्या हमारा यह कार्य काफ़ी हास्यास्पद प्रतीत नहीं होगा? जैसा कि चित्र 4.2 में देखिए, इन्होंने पहेली ने क्या करा,
एक गिलास बनाया जो कि किसका है, कपड़े का है, या आप कागज़ का भी बना सकते हैं। तो अब क्या करा, उसके अंदर पानी डालने की कोशिश करी। अब जैसे ही पानी डालेंगे तो ये पानी होल्ड नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं और वो उन छिद्रों के जरिए ये पानी निकल जाएगा। तो इसलिए आप देखेंगे कि गिलास बनाने के लिए कई अलग प्रकार के पदार्थों का यूज़ करते हैं, जैसे कांच का यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें छोटे छोटे छिद्र नहीं होते, प्लास्टिक का यूज़ किया जा सकता है, धातु का, और कोई ऐसा पदार्थ। अगर हम लकड़ी का भी करेंगे तो क्या होगा, लकड़ी के अंदर पानी अवशोषित हो जाएगा, चाहिए जो जल जो रोक सकता है, यानी कि हमें ये प्लास्टिक, लोहा या अन्य पदार्थ जिससे पानी को वो रोक सके, पानी आर पार उसके जाना सके, ऐसे पदार्थ की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र जो होते हैं, कागज का उपयोग करें तो कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जाएगा, एक बेवकूफ़ी का काम माना जाएगा। यानी कि आप आग जला दें, लकड़ी का बर्तन ऊपर रख दें, तो क्या होगा, खाना नहीं पकेगा बल्कि वो जो लकड़ी का बर्तन आपने ऊपर रखा था वो पक जाएगा, यानी कि वो जल जाएगा। तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना उस पदार्थ के गुण अथवा उपयोग को जाने वाली उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के प्रयोजन पर निर्भर करता है कि हम किस पदार्थ का कैसा प्रयोग करते हैं। अतः पदार्थों के वह गुण क्या हैं जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, नीचे कुछ गुणों का विवेचना कीजिए, नीचे गुणों की विवेचना कीजिए। जैसे कि दिखावट की अगर हम बात करें तो दिखावट के हिसाब से आप देखेंगे कई पदार्थ अलग अलग होते हैं। पदार्थ प्रायः एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं, जैसे लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है, लोहा तांबे अथवा एल्यूमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी लोहे तांबा एल्यूमिनियम कुछ समानताएं हो सकती हैं जो लकड़ी में बिल्कुल नहीं पाई जाती। चलिए क्रियाकलाप 3 करते हैं। विभिन्न पदार्थों, गत्ता, लकड़ी, तांबा, तार, एल्युमिनियम की शीट और चौक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्रित कीजिए। क्या इनमें से कोई चमकीली दिखाई पड़ती है? तो जो हमने अभी बात करी पीछे कि एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया, ये लकड़ी से बिल्कुल अलग है। कैसे अलग है? सबसे पहला इसके अंदर डिफरेंस देखेंगे हम चमकीलेपन से, कि जो ये वस्तुएं हम देखते हैं जैसे तांबा, एल्युमिनियम, ये जितनी भी धातुओं से बनी हुई चीज़ें देखते हैं उनमें चमकीलापन होता है। तो सबसे पहले आपसे यही पूछा गया कि चमकीली दिखाई पड़ती है? आप बोलेंगे नहीं, आप बोलेंगे कि हाँ, कि जो एल्युमिनियम वगैरह है, एल्युमिनियम की शीट है, ये तो दिखाई देती है, तांबे भी चमकीला दिखाई देता है। चमकीले पदार्थ को एक समूह में पृथक कीजिए। अब जैसे कि आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को दो भागों में काटे, ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए, जो चित्र 4.3 आपने क्या पाया, जो कि चित्र 4.3 में है, आपने क्या पाया? क्या इन पदार्थों में से कुछ पदार्थ और कुछ के ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं? इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थ के समूह में सम्मिलित कीजिए। तो आपको ऐसे ऐसे काट के चीज़ें देखनी है। अगर देखिए, कुछ चीज़ें नहीं कटेंगी, जाहिर सी बात है, तो आपको थोड़ा सा उसमें चमकीलापन दिख जाएगा। क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार का कोई चमक अथवा घृति देखते हैं? जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थ हैं सबको काट के चेक करना है। तो इसमें क्या करना है, एक बड़े की सहायता लेनी है। तो आप जब काटेंगे ना उसको, तो कुछ चीज़ें दिखेंगी चमकीली और कुछ चीज़ें नहीं दिखेंगी चमकीली। और घृवितिवान और धीतिविहीन पदार्थों की सूची बनाइए, और काटने के स्थान पर आप पदार्थों को, पृष्ठों को रेगमाल से रगड़कर यह देख सकते हैं कि धृतिवान है या नहीं है, यानी चमकीली है कि नहीं है। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की धृति होती है, चमक होती है, रोशनी टाइप की होती है, जिन पर लाइट पड़ती है वो चमक उठे, तो वो धातुएं कहलाती हैं। तो धातुओं का जो एक गुण होता है कि धातु शाइन मारती है, चमक मारती है, आप रेगमाल से देख सकते हैं, उस पर मार के आप देखेंगे, एल्युमिनियम की जैसे ताला देखेंगे आप, ताला आपका जो होगा चमकीला दिखाई देगा आपको। चमकीला कहने का मतलब यहाँ पे कि जब रोशनी मारेंगे तो हल्की सी चमक उसमें से निकलेगी। लेकिन वही आप लकड़ी की, यानी कि लकड़ी की बनी किसी वस्तु पे आप लाइट मारते हैं तो वो बिल्कुल चमकती हुई नहीं दिखेगी, यहाँ तक कि आप उसको काट भी दें तो भी उसमें चमक सी नहीं आएगी।
लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना धातु के ये उदाहरण हैं। इनमें क्या होती है? धृति होती है, चमक होती है। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती हैं और धृतिहीन, निष्प्रभ यानी बिल्कुल चमकीली नहीं दिखाई देती है तो देने लगती है। तो ऐसा उन वायु तथा नमी के अभिक्रियाओं के कारण होता है, इसलिए केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही धृति दिखाई देती है। यानी कि कई धातुएं जो होती हैं उन पे कभी कभार जंग लग जाता है। जैसे आप बाहर देखेंगे या आप किसी भी जालियां वगैरह देखेंगे कहीं पे लगी हुई, तो उसमें क्या होता है, जंग लग जाता है। तो आप बोलोगे तो इसमें तो शाइन दिख ही नहीं रही, तो फिर ये तो धातु नहीं हुई। नहीं, वो फिर भी धातु है। आप उसको काटेंगे आपको अंदर चमक दिखेगी, या आप रेगमाल मारेंगे तो चमक दिखेगी। अब हम पढ़ेंगे कठोरता के बारे में। तो हम कठोरता के हिसाब से भी चीज़ों को अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं। जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उसमें से कुछ को दबाना यानी कि संपीड़ित करना, संपीड़ित का अर्थ होता है दबा सकना, दबाने की टेंडेंसी, जिसमें दबने की टेंडेंसी हो वो संपीड़ित कहलाती है। तो कठिन होता है, जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए तथा इससे लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चौक, अन्य पदार्थों को अथवा वस्तुओं के पृष्ठों को खरोची यानी कि उनकी ऊपरी सतह खरोचनीय में, किनकी धातुओं की चाबी, धातु की बनी हुई कोई चाबी या लकड़ी, एल्युमिनियम, इन सबको लेना है और ऊपर से क्या करना है, खरोचना है। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोच सकते हैं जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोच सकते। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है कठोर पदार्थ कहलाते हैं, सिंपल। तो हम इस तरीके से कोमल और कठोर करके भी चीज़ों को अलग अलग कैटेगराइज में बांट सकते हैं। तो आप देखेंगे कई चीज़ें जो आसानी से खरोच जाती है, संपीड़ित हो जाती है, तो वो क्या होती है, कठोर और नरम। अब देखेंगे विलेय और अविलेय से भी हम अलग कर सकते हैं। विलेय का अर्थ होता है कि कोई चीज किसी में मिल जाए, और विलयन का अर्थ होता है जब हम मिला के उस जो भी चीज बनती है उसे विलयन कहते हैं। कुछ क्रियाकलाप फोर करके देख लेते हैं। कुछ ठोस पदार्थों जैसे चीनी, नमक, चौक का पाउडर, बालू, रेत, लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्रित कीजिए। कांच के 5 गिलास लीजिए, प्रत्येक गिलास में लगभग 2/3 भाग में जल भरिए और पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच भर के यानी कि चीनी, दूसरे में नमक तथा इसी प्रकार शेष गिलास में अन्य पदार्थ मिलाइए। प्रत्येक गिलास की अंतर वस्तु को चम्मच से विलोडित यानी मिलाइए, धीरे धीरे हिलाइए, उनको अच्छे से मिलाइए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा करिए, परीक्षण कीजिए तथा पता लगाइए कि जल में मिलाए गए पदार्थों का क्या होता है, और अपने प्रेक्षणों को सारणी 4.3 में दर्शाए अनुसार नोट कीजिए। तो आप देखिए मिला के इन सब चीज़ों को, तो आप इसके अंदर लिखिए कौन सी चीज़ अच्छे से पानी के अंदर लुप्त हो जा रही है और कौन सी चीज़ें लुप्त नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो कौन सी लुप्त हो जा रही है, कौन सी नहीं। जैसे नमक आप डालेंगे पानी के अंदर तो ये लुप्त हो जाएगा यानी गायब हो जाएगा, चीनी डालेंगे ये भी लुप्त हो जाएगा, बालू यानी कि रेत वगैरह जो है उसको डालेंगे तो वो गायब नहीं होगा यानी लुप्त नहीं होगा, चौक का पाउडर डालेंगे ये भी लुप्त नहीं होगा, लकड़ी का बुरादा डालेंगे ये भी नहीं लुप्त होगा। तो जो आसानी से लुप्त हो जा रहा है और जो आसानी से लुप्त नहीं हो पा रहे, ये हमारी अलग कैटेगरी बन गई। ये कौन सी कैटेगरी बन गई, इस कैटेगरी को कहेंगे तो आइए ये पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं अर्थात घुल जाते हैं, जिसे विलीन कहते हैं, विलीन हो जाते हैं। हम यह कहते हैं कि ये पदार्थ क्या है, विलेय है, जो मिल जाए अच्छे से, जो घुल जाए अच्छे से, जैसे हमने नमक का देखा, और जो अच्छे से ना मिल पाए, अच्छे से ना घुल पाए, वो अविलेय कहलाएंगे। सिंपल से डेफिनेशन। आप इसके अंदर दूसरा प्रेक्षण भी कर सकते हैं, आप नींबू का रस लेकर, सरसों का तेल वगैरह लेकर, ये भी आप प्रेक्षण कर सकते हैं, वस्तुओं को कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं जो विलेय और अविलेय होती है। वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती है, इससे भी हम क्या कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि वस्तुएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। कि कुछ वस्तुएं देखेंगे आप तो हम चीज़ों को सिर्फ हम डूबती हुई और तैरती हुई चीज़ों में भी डिवाइड कर सकते हैं यानी वर्गीकृत कर सकते हैं। तो आपको
एक सारणी बनाने की जरूरत पड़ सकती है कि आप उसमें डूबती हुई चीजें और जो तैर सकती है चीजें वो लिखें। अब पढ़ेंगे हम पारदर्शिता के बारे में। आपने देखा होगा कि आपके आसपास कई चीजें जो होती हैं, जो जिनमें से आर पार देखा जा सकता है, तो जिनके आर पार हम देख सकते हैं ना, जो उन पदार्थों तथा अथवा सामग्री जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है, उन्हें पारदर्शी कहते हैं, यानी कि जिनके आर पार हम देख सकते हैं। जैसे कि दुकानदार के पास देखेंगे आप बिस्कुट वगैरह जिसमें रखे होते हैं, मिठाइयाँ रखी जो होती हैं, वो जो कांच का जो गिलास होता है वो क्या होता है, पारदर्शी होता है। तो हम चीज़ों को पारदर्शिता के हिसाब से भी, यानी कि जो पारदर्शी है जिनके आर पार देखा जा सकता है, और जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता वो अपारदर्शी होती है। तो हम इस तरीके से भी चीज़ों को कैटेगराइज यानी वर्गीकृत कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब आपने देखा होगा कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनके हम आर पार तो लगभग देख सकते हैं लेकिन पूर्ण तरह नहीं देख सकते, पूरे तरीके से नहीं देख सकते, कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देता है। तो इस तरीके की चीज़ों को कहते हैं पारभासी, यानी कि पार यानी कि आर पार की चीज़ों का आभास हो जाता है लगभग, जैसे कुछ धुंधलापन दिखाई देता है। जैसे कि हम अगर कांच के ऊपर तेल लगा दे, तेलिए कांच बना दे, तो देखेंगे उस पर क्या जैसा दिखाई देगा, हमें आर पार तो दिखाई देगा लेकिन क्लियर नहीं दिखाई देगा कि उसके कांच के दूसरी तरफ क्या है। तो तेलिए धब्बों को याद कीजिए, जो कि आपने क्या कहते हैं कागज पर लगे तेलिए धब्बे देखे थे, जो कि हमने पीछे एक्सपेरिमेंट हमने देखा था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो पदार्थ होते हैं उनके अंदर जो हमारे जो भोजन होते हैं उसमें कौन से घटक होते हैं, तो हमने उसके अंदर फैट यानी वसा का एक एग्जांपल किया था, जिसमें क्या होता है कागज़ में अगर हम कोई वस्तु रखते हैं और उसमें तेलिए जैसा धब्बा आ जाता है तो उसके आर पार लगभग थोड़ा बहुत दिखता है लेकिन वो पूर्ण तरह नहीं दिखता, तो वो भी क्या है, एक पारभासी है। तो ये पारभासी का उदाहरण है। अतः हम पदार्थों को किन किन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, अपारदर्शी जिनके आर पार नहीं देखा जा सके, पारदर्शी जिनके आर पार पूरी तरीके से देखा जा सके, या अब अपारभासी जिनके हम पूरी तरीके से नहीं देख सकते। तो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाया हुआ टॉर्च, तो ये जो लाइट है थोड़ी बहुत तो बाहर आ रही है लेकिन ये पूर्ण तरह से नहीं आ रही, पूरी तरीके से नहीं आ रही, तो ये क्या है, एक पारभासी का उदाहरण है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा ये चैप्टर, जिसमें हमने वस्तुओं को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना सीखा।